तो फैटी एसिड, जैसा कि आपको पता है, बड़ा ही अच्छा सा नाम है फैटी, ठीक है। आजकल इसको जो है, अगर कोई फैटी होता है तो क्यूट क्यूट बोला जाता है, ठीक है, क्यूट क्यूट बोला जाता है। पता नहीं एक कौन सा टर्म यूज़ होता है, तो वो टर्म भी यूज़ करते हैं लोग, बोलते रहते हैं, ठीक है, कि अंग्रेजी वाला टर्म जो आता है, पता नहीं आप लोगों को अच्छे से पता है, थोड़ा दिमाग घुमाइए। तो ये जो हो जाता है कि ये फैटी एसिड जो होते हैं, कि फैटी एसिड का मतलब ये हो जाता है कि दैट सिंपल कि एसिड, दैट दिस इज एसिड। अब एसिड ग्रुप आपको पता है COOH। जितने भी आप चीज़ देख रहे थे, अगर आपने देखा होगा कि ये अमीनो एसिड में भी यूज़ हुआ था और आपके फैटी एसिड में भी यूज़ होगा। अमीनो में एक अमीनो था, यहाँ पे अमीनो नहीं है, तो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन थोड़ा सा अलग होता है फैटी एसिड, इसमें जो होते हैं ना COOH से, अमीनो ग्रुप में सिर्फ एक कार्बन था और इससे चार चीज़ें जुड़ी हुई थी, जबकि यहाँ पे फैटी एसिड में ये बहुत लंबा चेन होता है। फैटी एसिड का मतलब एक एल्काइल चेन होता है, ये जो होता है वेरी लॉन्ग एल्काइल चेन होता है, जिससे आपका एसिड ग्रुप जुड़ा रहता है। सो वी कैन से दैट फैटी, ये बहुत ज़्यादा कार्बन है तो इसको इसीलिए बोला जाता है फैटी है भैया, और फैटी दैट एसिड, ठीक है। अब फैटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता, फैट के फॉर्म में भी होता है कि फैट कंटेंट में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऑयल वगैरह में, ऑयल हो गया, घी हो गया, एंड उसके अलावा जो है फैट्स, जितने सारी चीज़ें एक्यूमुलेट्स होती हैं उन सब में ऑयल ड्रॉपलेट, फैट ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फैट ही नहीं होते या फॉस्फोलिपिड्स या नहीं होते, इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये आपके साइटोसोल में भी पाए जाते हैं कुछ कुछ, ये मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ऑल, विल डिस्कस दोज थिंग्स इन मेटाबॉलिज्म। तो अलग अलग जगहों पर होते हैं। इनका ज़्यादातर काम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, नॉट लाइक ATP, ATP तो एनर्जी को डिसिपेट करता है, ये एनर्जी स्टोर करके रखता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू लार्ज ऑफ ATP जनरेट करता है, वो हम देखा जाएगा। सो फैटी एसिड इज लाइक एम्फीपैथिक एंड सैपोनिफिएबल, दिस इज टू टर्म, लेट्स टॉक अबाउट। देखिएगा कि ये टर्म जो है, ये ग्रुप जो है, दिस ग्रुप इज पोलर, ये जो ग्रुप है वो पोलर पाया जा रहा है, एंड दिस ग्रुप इज नॉन पोलर, ये जो है वो नॉन पोलर है, दिस ग्रुप इज़ नॉन पोलर। और किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें पोलर ग्रुप और नॉन पोलर ग्रुप दोनों हो, वी से इट लाइक एम्फीपैथिक, हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक बोलते हैं, वी से इट लाइक एम्फीपैथिक जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एम्फीपैथिक चल रहा है, ठीक है। एम्फीपैथिक जैसा ये काम जो है वो चलेगा, कि एम्फीपैथिक नेचर की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठ जाता है कि एम्फीपैथिक जो है पोलर और नॉन पोलर दोनों का कंपोनेंट जो है पाया जा रहा है। सैपोनिफिएबल का मतलब जो होता है कि ये पर्टिकुलरली सूप का फॉर्मेशन करता है विद द सॉल्ट, ठीक है, विथ सॉल्ट। अगर इसको हम NaCl से यूज़ करें तो ये क्या करेगा, ये NaCl से बाइंड करेगा और सोप का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस लाइक की फैटी एसिड ज़्यादातर आपके सोप में पाए जाते हैं, दिस इज एम्फीपैथिक एंड सैपोनिफिएबल। इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या नहीं चलेंगी, उन सब पे बात किया जाएगा, पहले फैटी एसिड समझ लीजिए, ठीक है। सो जैसा बताया गया, दिस इज नॉन पोलर टेल, यू कैन सी वेरी लॉन्ग नॉन पोलर टेल, एंड इसके बाद ये होता है पोलर हेड। इसमें जो नॉमेनक्लेचर होता है, देखिएगा कि ये प्राइमरी, अगेन दिस इज लाइक पोलर हेड, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। जब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, सो दिट्स इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा पहला वाला, फिर बीटा, डेल्टा, ओमेगा, इस तरीके से करते 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 लास्ट वाला जो होता है ओमेगा होता है, द लास्ट कार्बन इज द ओमेगा कार्बन। अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे बहुत सारे नंबर के साथ साथ द लास्ट वन इज ओमेगा, द फर्स्ट वन इज अल्फा विद द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो इस तरीके का चलेगा, पहला जो होगा वो अल्फा होगा, उसके बाद बीटा होगा, गामा होगा, डेल्टा होगा, एप्सिलॉन होंगे, एंड ऐसे ऐसे करते गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड अलग अलग और नॉमेनक्लेचर होते हैं, यू नो नीड टू रिमेंबर फॉर ऑल द नॉमेनक्लेचर्स के कितने कार्बन है सबका, बट जनरली इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते करते लास्ट वाला जो होता है ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। नाउ ये सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं तो उन्हीं से ये चीज़ें चलती रहती है। अब ये है फैटी एसिड का एक नॉर्मल सा पार्ट, जिसमें एक लॉन्ग नॉन पोलर टेल एंड एक पोलर हेड होता है।
अब इसमें क्या होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एक कंपोनेंट्स होता है जो फैटी एसिड का टाइप है। क्या है ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सी एच टू ओ एच, ये सी एच टू ओ एच एंड दिस अगेन सी एच टू ओ एच, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये जो है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लिसरॉल में ओ एच पे जब हम फैटी एसिड को जोड़ दें, फैटी एसिड को यहाँ पे जोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसाइल ग्रुप जनरली किसको बोला जाता है, फैटी एसिड को, एसाइल ग्रुप, इसको जनरली नाम देने के लिए आप एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेज में एसाइल को ए जो होता है वो इन्वॉल्व होगा, तो एसाइल इसी चीज़ को बोला जाता है, यहाँ पे जुड़ा है। जब ये देखिएगा कि आप इससे किसी भी ओ एच को जोड़ेंगे, दिस शुड बी द एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, सी ओ ओ सी बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सी ओ ओ आर, ये बॉन्ड जो होता है एस्टर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, अगेन दिस शुड बी द एस्टर बॉन्ड, जितने भी सी ओ आर होंगे एस्टर बॉन्ड ये चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द एस्टर बॉन्ड दैट नॉन पोलर इज देयर। ये जो है आपका क्या है, नॉन पोलर होते हैं, जिसमें क्योंकि ये जो इसका पोलर हेड था ये तो अब कन्वर्ट हो गया नॉन पोलर वे में, क्योंकि ओ एच तो बचा ही नहीं। पोलैरिटी यहाँ पे कौन शो कर रहा था, ये शो कर रहा था, लेकिन ये तो अब जुड़ गया ना इसके साथ। देखो पहले ये था ओ एच पोलर, अब जैसे ही इसको इस ओ एच से पहले ये भी पोलर था, और इससे आपने क्या किया कि इस तरीके से काम कर लिया, इसका जो एच और इसका ओ एच जब निकल गया तो ये ओ सी बन गया। इस तरीके से वाटर जो है यहाँ से निकल गया, वाटर जो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। जब जैसे ही निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा केस अब ये क्या है, नॉन पोलर। इसमें कोई पोलर ग्रुप है ही नहीं ओ एच टाइप का, तो इसमें आपका पोलरिटी नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसी वजह से ये भी वही होगा, ये भी होगा, तो दिस शुड बी नॉन पोलर। सैपोनिफिएबल है, अभी भी सॉल्ट बना सकता है। न्यूट्रल जो है आपके पास आ जाते हैं, स्टोरेज लिपिड का काम करता है, एनर्जी जनरेशन। फैट अगर सॉलिड होगा तो फैट होगा, ऑयल जनरली लिक्विड होते हैं। इसी तरीके से टैग के तरीके से पाया जाता है वैक्स। इसमें जो था ग्लिसरॉल था, वैक्स में मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मतलब एक लॉन्ग चेन एल्कोहल होता है। जैसे आप देखेंगे एक इसमें बहुत सारा लॉन्ग चेन एल्कोहल, एक इधर से ये फैटी एसिड तो था ही था, एक आपका मोनोहाइड्रोक्सी मतलब एक चेन के साथ ओएच जुड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से जुड़ता रहेगा। ठीक है, इन बीच में जब जुड़ेगा तो ये बाद में एस्टर बॉन्ड बनाएगा, ये भी नॉन पोलर होगा, सैपोनिफिएबल होगा। ट्राइग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल के साथ आपके तीन फैटी एसिड जुड़ते हैं विद द एस्टर बॉन्ड। वैक्स में मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल से फैटी एसिड जुड़ता है एस्टर बॉन्ड से, तो ये सारे काम होते हैं। इसके बाद आता है ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, अब देखिएगा ये मॉडिफिकेशन से, ग्लाइको का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, अब जोड़ा जाएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, दैट शुड बी द ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड है तो अब लिपिड जो है वो किस बैकबोन पे बना है, ग्लिसरो पे या आपके स्फिंगो पे? ग्लिसरॉल पे बना है, स्फिंगोसिन पे बना है। इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैकबोन, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था सी एस टू सी एच ओ एच, सी एस टू ओ एच। ठीक है, इसके बाद सी एस टू ओ एच, दिस इज द ग्लिसरॉल वन। वेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, इसको क्या बोलेंगे, ये होता है सी एस टू, लाइक इसमें है सी एस टू, एन एच टू होता है इसके पास। ठीक है, और यहां पे जो होता है लाइक या इस तरीके के स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस पे बेसिकली जो होता है कि एक जगह पे कुछ नहीं पाया जाता है, दो ही जगह पे, एक OH होता है और एक NH2 ग्रुप होता है स्फिंगोसिन में, जबकि ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस बनेगा, एक बार स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर जो है करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि मतलब करेक्ट है कि नहीं है। तो उसको जो है कि ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड के ऊपर बात करेंगे। ग्लिसरॉल में जब होता है कि तीन OH पे दो OH से फैटी एसिड जुड़ता है और एक ओएच से कार्बोहाइड्रेट,
फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए यू नीड अ बैकबोन। अब वो बैकबोन किसका है, ग्लिसरॉल का है कि स्फिंगोसिन का, वो डिपेंड करता है। अब इसके NH2 ग्रुप से फैटी एसिड जुड़ता है और OH ग्रुप से कार्बोहाइड्रेट। ये बैकबोन स्फिंगोसिन का है, ग्लिसरॉल का है, उसी पे होता है ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। अब जो ऑब्वियस सी बात है, फैटी एसिड जुड़ेगा तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड से। और कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है OH से तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पोलर नेचर का होता है तो इसमें एक पोलर हेड हो जाएगा, नॉन पोलर टेल, तो दिस शुड बी एम्फीपैथिक। कैसा हो जाएगा ये एम्फीपैथिक हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें स्फिंगोलिपिड में, तो NH2 से देखिए फैटी एसिड जुड़ा, कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा, यहाँ पे अमाइड बॉन्ड। व्हाट इज दैट, अमाइड बॉन्ड, CONH। आपने पेप्टाइड में पढ़ा है यही तो बॉन्ड होता था अमाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड है अमाइड, तो अमाइड बॉन्ड से ये जुड़ता है। और जब आपके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, दिस शुड बी लाइक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ रहा है। ये पोलर नॉन पोलर, ये भी क्या होगा, एम्फीपैथिक। कैसा हो जाएगा, एम्फीपैथिक हो जाएगा। तो दिस इज लाइक ग्लाइकोलिपिड, ये जो है ग्लाइकोलिपिड का केस चल रहा है। अब ग्लाइकोलिपिड में, खासकर स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आती है कि जब स्फिंगोसिन सिर्फ फैटी एसिड से जुड़ा है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट से नहीं जुड़ा है, ठीक है, ध्यान देना, जब स्फिंगोसिन सिर्फ फैटी एसिड से जुड़ा है तब ये स्ट्रक्चर कहा जाता है सीरामाइड। सीरामाइड में अब अल्कोहल जो है वो कैसे जुड़ सकता है, अल्कोहल या तो एक मोनोसेक्राइड जुड़े, जब मोनोसेक्राइड जुड़ेगा तो इट शुड बी सेरिब्रोसाइड या ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, अगर ग्लूकोज जुड़ेगा तो। कौन सा मोनोसेक्राइड जुड़ा है उसको आगे रखो और सेरिब्रोसाइड जोड़ दो, दैट ग्लूको गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड फ्रक्टो सेरिब्रोसाइड, जनरली ग्लूको सेरिब्रोसाइड ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके साथ अगर ये मोनो की जगह ओलिगो सेक्राइड जुड़ा है तो ये आपको बोलते हैं ग्लोबोसाइड। अब ग्लोबोसाइड में ये जो है सियालिक एसिड के साथ है या विदाउट सियालिक एसिड है, अगर सियालिक एसिड होगा तो इट शुड बी गैंग्लियोसाइड एंड विदाउट होगा तो विल से इट इज अ ग्लोबोसाइड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इस तरीके से पाए जाते हैं। नाउ अगर हम फॉस्फोलिपिड के ऊपर बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि फॉस्फोलिपिड में यही चीज़ होगी, बस यहाँ पे जो OH से कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है ना उसके साथ बीच में फॉस्फेट आ जाएगा और फॉस्फेट के बाद कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, दैट इज फॉस्फोलिपिड, देयर इज नथिंग डिफरेंस। अगेन वही आपका साथ ग्लिसरॉल का बैकबोन एंड स्फिंगोसिन का बैकबोन होगा, स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका है। जब आप देखेंगे तो देखिए अगेन ग्लिसरॉल के बैकबोन पे देखेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पे, तो एक OH से एक फैटी एसिड जुड़ेगा एस्टर लिंकेज से, दूसरे OH से दूसरा फैटी एसिड एस्टर लिंकेज से, फॉस्फेट जुड़ेगा एस्टर से, इस फॉस्फेट से एल्कोहल जुड़ेगा एस्टर लिंकेज से, तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। यह है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सिमिलरली अगर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के ऊपर बात करोगे, स्फिंगोसिन के बैकबोन में फैटी एसिड जुड़ेगा अमीनो ग्रुप से अमाइड लिंकेज एंड एस्टर लिंकेज से फॉस्फेट और एल्कोहल जुड़ जाएंगे। ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड के कॉम्पोनेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब जैसा कि बताया गया कि ये फॉस्फेट तो जुड़ा हुआ है, इसमें अल्कोहल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और उनके बेसिस पे नाम हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, अगर इस एक्स ग्रुप की जगह OH हो तो एक्स ग्रुप जो है OH हो, एक्स ग्रुप पे H हो, क्या है क्या नहीं है, तो नेम ऑफ द एक्स OH यहाँ पे जो है और नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड। अगर यहाँ पे एक्स की जगह H हो गया, इट्स टू बी फॉस्फेटिडिक एसिड, इस पे चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट पे एक नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से ये जो हो जाता है -1 चार्ज एट द pH 7, ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड, ये जो एल्कोहल है आपके लिए। कोलीन जुड़ा, कोलीन एल्कोहल जुड़ा तो इसकी फॉस्फोटिडाइल कोलीन, टिडाइल जोड़ना है, फॉस्फोटिडाइल कोलीन, कॉमनली नोन एज लेसिथीन, नेट चार्ज 0, क्योंकि कोलीन पे जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली एथेनॉल अमीन, क्योंकि एथेनॉल अमीन पे भी अमीन ग्रुप है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वी से इट इज ए फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल अमीन, फॉस्फोटिडाइल एज अ सफिक्स आपको जोड़ देना है, फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल अमीन, वी कॉमनली नोन एज सिफेलिन, अगेन नेट चार्ज, बिकॉज फॉस्फेट पे एक नेट चार्ज होगा, एथेनॉल अमीन पे एक प्लस होगा, नेट शुड बी 0। सिमिलरली यहाँ पे फॉस्फोटिडाइल पे -1, इस पे +1 था, नेट शुड बी 0, फॉस्फोटिडिक पे -1 चार्ज था, वो -1 ही था। सेरीन,
अगेन सेरीन पे कोई चार्ज नहीं होता जनरली बिकॉज इट्स नॉट अ चार्ज फॉस्फोटिडाइल सेरीन, ठीक है। अगेन सफिक्स फॉस्फोटिडाइल नॉर्मली सेरीन माइनस वन चार्ज क्योंकि इस पे माइनस वन चार्ज होगा। ग्लिसरॉल नो चार्ज विल बी देयर, अगेन सफिक्स विल बी फॉस्फोटिडाइल माइनस वन इज द चार्ज, माइनस वन नेट चार्ज हो जाएगा। नाउ अब आ गया फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, इसमें ऑलरेडी एक फॉस्फोटिडाइल मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज है, ग्लिसरॉल है, तो वी से डाई फॉस्फोटिडाइल मतलब माइनस टू चार्ज विल बी देयर, दैट इज कार्डियोलिपिन, इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। देन इनोसिटॉल, इनोसिटॉल इज अगेन एल्कोहल, नो चार्ज इज देयर, वी से माइनस दैट माइनस वन फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल माइनस वन चार्ज हो जाएगा। तो लेसिथीन पे जीरो चार्ज है, इसके बाद सिफेलिन पे जीरो चार्ज है और कार्डियोलिपिन पे माइनस टू, बाकी सब पे माइनस वन चार्ज होते हैं क्योंकि वो चार्ज नहीं होते। तो कोलीन एथेनॉल अमीन ये कैसे लोग होते हैं जिन पे चार्जेस जीरो होते हैं एंड फॉस्फोटिडाइल पे माइनस टू चार्ज होता है, बाकी सब पे प्लस वन चार्ज होते हैं। जब कोलीन हो तो फॉस्फोटिडाइल कोलीन का कॉमनली नो नाम है लेसिथीन सिफेलिन एंड कार्डियोलिपिन, ये ध्यान रखना, कॉमनली नोन से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि लेसिथीन क्या है, सिफेलिन में कौन सा ग्रुप है एंड कार्डियोलिपिन में कौन सा ग्रुप है। दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज सम ग्रुप विच इज नोन एज द एस्टेरॉल्स। व्हाट इज एस्टेरॉल्स? एस्टेरॉल्स जनरली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है? हैपोनॉड, ठीक है, हैपोनॉड पाया जाता है, हैपोनॉड इन प्लेस ऑफ एस्टेरॉल्स, एस्टेरॉल की जगह जो होता है वहां पे आपके हैपोनॉड पाए जाते हैं। स्टेरॉल्स जो होते हैं इसमें तीन छः मेंबर के रिंग और एक पाँच मेंबर का रिंग पाया जाता है। यू कैन सी सिक्स मेंबर की थ्री रिंग है और फाइव मेंबर का वन रिंग है। एक सिक्स मेंबर रिंग के पास ओएच ग्रुप होता है, एज यू नो दैट ओएच ग्रुप इज पोलर, सो दिस इज पोलर हेड, ये जो है पोलर हेड है और एक नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाया जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। मेनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट में ये पाया जाता है बिकॉज इस पे पोलर और नॉन पोलर दोनों हैं, तो इट शुड बी एम्फीपैथिक। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपके पाए जाते हैं स्ट्रॉल के केसेस में। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है यूकैरियोट में, आर्गेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो पाया जाता है फंगस में, स्टिग्मेस्ट्रॉल, कैमेस्ट्रॉल, सीटेस्ट्रॉल ये सारे के सारे पाए जाते हैं प्लांट में। ये सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रॉल ग्रुप्स जो पाए जाते हैं। इसके साथ आता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में कुछ एक ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं इकोसेनॉइड। इकोसेनॉइड इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम द एरेकिडोनोइक एसिड। किससे डिराइव्ड होता है? एरेकिडोनोइक एसिड, एरेकिडोनोइक एसिड से डिराइव्ड होता है, और ये एरेकिडोनोइक एसिड से डिराइव्ड होगा तो ये सारा का सारा केस जो होगा वो चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस जो आपके पाए जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड या फैटी एसिड्स। कई अलग अलग चीज़ें पे पाए जाते हैं। इट्स जैसा कि लिपिड आपको बताया गया था, एक्ट एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल रोल, प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, एम्फीपैथिक, पोलर नेचर एंड नॉन पोलर दोनों पाया जाता है। लिपिड कई अलग अलग पार्ट पे होते हैं, लॉरिक, मेरिस्टिक, पामेटिक, स्टेरिक, पामिटोलिक, ओलिक, लिनोलिनिक, लिनोलिनिक, एरेडोइक, एरेक्डिनोइक। इतने सारे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, इतना आप ध्यान रख लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। दैट एल एम पी एस, ठीक है, पी ओ एल एल ए कोड, यू कैन यूज इट दैट लल्लू लाल, लल्लू ने एम पी से पोल ए सेलेक्ट किया। क्या बताया मैंने? लल्लू लाल ने, देखो लल्लू लाल ने एमपी से पोल ए सेलेक्ट किया।
तो सिस्टमिक नेम के ऊपर जब हम बात करेंगे तो लॉरिक एसिड इज लाइक डोडेकोनिक, लाइक ये जो होते हैं सिस्टमिक नेम पाए जा रहे हैं इसमें, लाइक डोडेकैनोइक एसिड्स एंड टेट्रा डेकोनोइक एसिड्स। डेकोनोइक एसिड, डेकन मतलब 10, उससे ज़्यादा है कि डो है, टेट्रा डेकन फॉर 10, दो ज़्यादा तो डो टेट्रा हेक्सा, इस तरीके से 16-18 चलता रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होता है, शुरुआत करना है एलएमपीएस लॉरिक मेरिस्टिक पॉमेटिक, इसमें जो होते हैं स्टीरिक एसिड तक देयर इज नो चार्ज, एलएमपीएस कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, 0000 जो जीरो डबल बॉन्ड मतलब कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, 12 14 16 18। तो इसमें जो है अगर आप लॉरिक एसिड मेरिस्टिक एसिड पामेटिक एंड स्टेरिक एसिड के ऊपर बात करेंगे तो दिस इज लाइक 12 14 16 18। ये कार्बन नंबर दो दो के वे में बढ़ रहा है और कोई भी आपका अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद आता है पामीटोलिक एसिड, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एसिड, एरेक्डिनोइक एसिड। अब इसके बाद शुरुआत होती है 16 18 18 18, 3 बार 18 और 20। डबल बॉन्ड शुरू होगा 1 1 2 3 4 और शुरुआत होगी, ध्यान देने की कोशिश करेगा, 9। हमेशा 3 के वे में इंक्रीज होगा। अगर आप देखेंगे तो जब 1 था तो 9 पे होगा, 2 होगा तो 9 पे होगा, 2 1 होगा तो 9 पे होगा, 2 होगा तो 9 प्लस 3 करोगे तो 9 से 12, तीसरे पे करोगे तो 9 फिर 12 फिर 15, 3 पे बढ़ेगा। देखो 9 to 12, 12 to 15, 3 3 के वे में इंक्रीज होगा, ठीक है, 3 के वे में इंक्रीज होगा। और जब 20 कार्बन एरेक्डिनोइक एसिड्स पे जब हम बात करेंगे और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 होते हैं तो ये इसमें शुरुआत 5 से होती ना कि 9 से, 5 3 8 8 3 11 11 3 14, सो दिस शुड बी देयर, ठीक है। ये जो केसेस है यहाँ पे इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, तो 5 8 11 इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। एक बार फिर ध्यान देना, एल एम पी एस पोल ए का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे चल रहा है, 12 14 16 18 16 18 18 18 20, इन सब में 4 में एलएमपीएस में कोई सिचुएशन नहीं था, पोल ए में था, पामिटोलिक एसिड ओलिक एसिड इसमें 1 1 2 3 4, ठीक है, ये केस चलता है। 4 वाला शुरू होगा 5 से, 5वें पोजीशन पे आ रहा है, इस वर्ड लेटर में 5 वाले में से 5वां आ रहा है, तो ये केस चलेगा और इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। सो दीज आर द केस फॉर क्लासिफिकेशंस। नाउ अगर ये आपने देखा तो अब आगे देखते हैं, देयर इज लाइक की सम थिंग्स जो कि सेचुरेशन की बात आती है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात आए तो उनमें देखने की कोशिश करिएगा, लेट्स टॉक अबाउट द फैटी एसिड, ठीक है। अगर हम फैटी एसिड में खासकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये फिनोमिना जो होता है यूज़ किया जाता है, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब हम देखेंगे सेल बायोलॉजी या डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर भी लोग डिस्कस करते हैं। तो फैटी एसिड में जो लेंथ होता है, ठीक है, ध्यान देना कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा ना उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें पैरामीटर पहले समझना कि क्या बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आप चीज़ों पे जाएंगे कि कोई भी चीज़ स्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। एंड अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया तो फ्लूइडिटी कैसी होगी, कम होगी, यानी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी से जो है ये कम, मतलब इन्वर्स रिलेटेड होगा। अब स्टेबिलिटी कब कब बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कब कब बढ़ने वाली है, देखो जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन को क्या करिए बढ़ा दीजिए, जैसे आप ट्रांस उसको बढ़ा दीजिए, ट्रांस का मतलब जो आपके बीच में अनसेचुरेशन आते हैं इस पे बल्कि ग्रुप एक साइड में कर दो और छोटे ग्रुप एक साइड में कर दो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि ये सिस है और ट्रांस में कैसा हो जाएगा, ट्रांस में बल्कि ग्रुप जो एच जो है अपोजिट साइड में आ गया, बल्कि ग्रुप जो है इस तरीके से, तो दिस इज ट्रांस दिस इज सिस, तो ट्रांस ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, अनसेचुरेशन जो है वो लेस होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी जो बढ़ेगी, ग्लिसरोलिपिड हुई है स्फिंगोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ज़्यादा होना चाहिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बढ़ाएंगे क्या स्टेबिलिटी को, यानी फ्लूइडिटी को क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट को भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे फ्लूइडिटी को कम करेंगे, फ्लूइडिटी को क्या करेंगे कम करेंगे। अगर हम यहीं पे बात करें कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी को
स्टेबिलिटी को घटाएगी, मेल्टिंग पॉइंट को घटाए एंड फ्लूइडिटी को बढ़ाए, वो क्या होगा? तो वो यही चीज होगा, इनका उल्टा, इनका जो है उल्टा होना चाहिए, दैट इज द केस। तो उल्टा क्या होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम होने चाहिए, ट्रांस की जगह सिस ज्यादा होना चाहिए, अनसेचुरेशन कम की जगह ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ स्फिंगो फॉस्फोलिपिड चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, और स्टेबिलिटी घटानी है तो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द केस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे भी आपके लिस्टेड आउट है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो फ्लूडिटी कम होगी, ग्लिसरोलिपिड फ्लूडिटी को कम करेगा, ट्रांस फ्लूडिटी को कम करेगा, स्फिंगोलिपिड बढ़ाएगा, सिस बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, अनसेचुरेशन बढ़ाएंगे, तो ये सारा काम करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि यहाँ पे जब हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें या किसी प्लांट की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, एक लो टेम्परेचर पे रहने वाला, एक हाई टेम्परेचर पे रहने वाला, क्या केस बनेगा? बहुत सीधा सा है, ये लॉजिक समझ जाओगे तो इसके बाद आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। लॉजिक क्या है कि देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म का मतलब एनिमल प्लांट हो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, अब ये लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई। मतलब एक ऑन एन एवरेज मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑन एन एवरेज एक ऑप्टिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, एक ऑप्टिमम फ्लूइडिटी होनी चाहिए ना। मान लो ऑप्टिमम स्टेबिलिटी जो है वो आपकी, मान लो 20 है, या फ्लूइडिटी जो है वो 20 है, जस्ट सपोज, ठीक है। अब टेम्परेचर कम करोगे तो स्टेबिलिटी 20 की बजाय 30 हो गई, तो जब ये 30 हो गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 20 पे खींच के लाना होगा ना सरवाइव कराने के लिए, एक नॉर्मल कंपोजिशन को ऑप्टिमम पे रखने के लिए। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी कम था वहां पे, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी पैरामीटर इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाने का काम करेंगे सो दैट इसको कम करें। जैसे कि आप क्या करेंगे, अब स्फिंगोलिपिड ज्यादा हो जाएगा, अनसेचुरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन सबका काम हो जाएगा अल्टीमेटली कि भैया स्टेबिलिटी घटाओ, स्टेबिलिटी को घटा के लाना होगा। कितने पे लेके आने की कोशिश करेंगे, 20 पे लाने की कोशिश करेंगे, ये सारे मिल के अनसेचुरेशन बढ़ के, स्फिंगोलिपिड, सिस बढ़ के, ये सब कहेंगे कि जल्दी से बढ़ो और ये क्या करो कि फटाफट स्टेबिलिटी को कम करके 20 लेके आओ जो हमारा ऑप्टिमम है। ये आपके चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट है या लो टेम्परेचर पे रहने वाले चीजें हैं। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं कि कोई भी हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेगा, यह हाई टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सी अगेन यहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी अब कम, स्टेबिलिटी कम यानी कि 10 हो गई, अब स्टेबिलिटी बढ़ानी है भाई। टेम्परेचर ज्यादा कर दिया आपने, स्टेबिलिटी कम हो गई यानी फ्लूइडिटी ज्यादा हो गई, फ्लूइडिटी आप इसको ज्यादा कर लोगे ना, मान लो फ्लूइडिटी 30 हो गया, यहां पे आपका फ्लूइडिटी जो है फ्लूइडिटी 10 हो गया होगा, स्टेबिलिटी जब बढ़ाता तो फ्लूइडिटी 10 कर दो, तो स्टेबिलिटी को कम करना था और फ्लूइडिटी को बढ़ाना था, ये आपका टारगेट हो गया था जब टेम्परेचर कम था, तब जब ज्यादा था तो स्टेबिलिटी कम हुई फ्लूइडिटी ज्यादा हो गई, तो अब आपका टारगेट क्या है, फ्लूइडिटी को कम करना। फ्लूइडिटी को कम कैसे करेंगे, ट्रांस बढ़ाएंगे, क्या लेके आएंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, सेचुरेशन बढ़ाएंगे, ये सारा काम करके क्या करेंगे, कहेंगे कि हम स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और स्टेबिलिटी को आप यहाँ पे इंक्रीज कराओगे सो दैट ये 20 पहुँचे, और आप फ्लूइडिटी को जो है, आप फ्लूइडिटी को जो है वो कम कराओगे, फ्लूइडिटी को कम कराओगे कि वो जो है 20 तक पहुँचे। सो दिस इज द पॉइंट हियर गाइस, कि आपको जो टेम्परेचर कर रहा है उसका उल्टा करना पड़ेगा सो दैट ऑप्टिमम लेवल तक आप बैलेंस करके रखें। तो वही चीज़ होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 0.5 पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो फ्लूडिटी कम करके रखा है तो सिस जो है वो आपका होगा, अनसेचुरेशन शॉर्टर होगा सो दैट बैलेंस कर पाए। सेम चीज़ वही जो मैंने आपको बताया, वही सारी चीज़ें आपको मैंसन है यहाँ पे, ठीक है।
चलिए होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। देखते रहिए, लर्न करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।